हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनल और सोनल दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। सो शिमला मनाली और कसूल का ये ट्रिप हमारा स्टार्ट हो चुका है और इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट है फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी खुश हूँ, चेहरे से मेरा देख लो, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। सो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और जो भी होगा मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो फटाफट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 दिन का फ्रेंड ट्रिप है तो इतनी मस्ती और धमाल होने वाले आप सोच भी नहीं सकते। और ये मैं प्रोटीन बार खाने की कोशिश कर रही हूँ जो हमारे फ्रेंड घर से लेके आए थे। सो सारे ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कब, कैसे और कहाँ हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचे, कहाँ कहाँ हमने घूमा, क्या क्या खाया, क्या क्या एक्सप्लोर किया, सब कुछ मैं आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, बोरीवली मुंबई से हमने ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन का नाम था गोल्डन टेम्पल और ये सारे रास्तों से गुजरते हुए आप मैप में देख सकते हो, निर्दुल्ले से गुजरते हुए हम लोग पहुँचे थे अम्बाला। वही हमारा लास्ट स्टॉप था, यहाँ पे हम स्टे किए थे एक रात के लिए। सो फ्रेंड्स, रात का डिनर करके हम सो गए थे जो हम घर से लेके आए थे। फिर दोपहर लंच में हम बाहर से मंगाए थे, बाहर से भी आप मंगा सकते हो क्योंकि हमें ट्रेन का खाना बिल्कुल खाने का मन नहीं था, तो हमने एग करी और राइस मंगाया था। बाकी थोड़ा बहुत तो घर से बचा हुआ था। और ये शाम को स्नैक्स में हमने मिक्सचर खाया था, ये भी हम घर से लेके आए थे, चाय कॉफ़ी। और ये हमारे फ्रेंड है जिनके साथ हम घूमने गए थे, इनकी इंस्टा आईडी मैं दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी इनके नंबर का, क्योंकि आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे ट्रिप प्लानर है, मतलब 10 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला, ट्रिप इन्होंने ही प्लान किया था। वो आपको आगे आगे पता चलेगा, बहुत चीज़ें जो हम शेयर करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम कैसे पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और इतनी यहाँ पे गर्मी है ना, पूछो मत। और अभी भी 3 घंटे का सफ़र और है शिमला जाने के लिए। एक्साइटेड हूँ, बहुत थक गया। ठीक है, मज़ा आ रहा। अभी तो मैनेज कर रहे सामान कैसे रखना। कोई गुस्सा में बैठा हुआ है कि मैं आगे बैठूंगा। ये दोनों में तो हम लोग अम्बाला पहुंच चुके हैं और हम लोग को कितना घंटा लगा आने में? 24 घंटा लगा। अब फेस से पहचान ही सकते हो कैसा कैसा हो गया, लाल पीला हरा सब हो गया। तो हमने गाड़ी बुक कर ली है। कौन सी गाड़ी है, कितना लगा आप बताओगे? ये एसयूवी है, व्हीकल है। यहाँ से अम्बाला की जर्नी, यहाँ से अम्बाला से हम लोग निकलेंगे, पहुंचेंगे कालका। टोटल जर्नी अराउंड 80 किलोमीटर की है। 2500 में कैब बुक हुई है, अच्छे लोग हैं, इनका कांटेक्ट चाहिए रहेगा तो आप, हाँ डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उनका लिंक भी डाल देंगे। तो अगर आप आ रहे हो और वहाँ पे जाना है तो आप 2500 तो लगता ही है, अगर है आपकी बड़ी फैमिली है तो, नहीं तो छोटे मतलब 3-4 लोग के लिए तो छोटी गाड़ी कर सकते हो, मिल जाएगा सेम। तो मिलते हैं फिर वहाँ पे पहुँच के। तो जैसा आपने हमारे फ्रेंड से सुना, अभी हमें स्टॉप करेंगे अम्बाला में और ये बहुत अच्छे ट्रिप प्लानर है। तो अगर आप पहाड़ों में घूमना पसंद करते हो तो आप इनसे कांटेक्ट ज़रूर करना। ये बहुत सारे जगह पे घूम चुके हैं। तो अभी हम अम्बाला स्टॉप करेंगे, फिर सुबह निकलेंगे, फिर सुबह टॉय ट्रेन से निकलेंगे शिमला के लिए। सो यहाँ पर हम होटल में स्टे कर चुके हैं और ये अम्बाला में मतलब बहुत जैसे बड़ा सा हम लोगों ने होटल नहीं किया था क्योंकि सुबह हम लोग को निकलना था, बस ये रात काटनी थी। तो हमने छोटा मोटा सा होटल बुक कर लिया और यहाँ पे देखो शौर्य सोया हुआ, तो ये सोया हुआ है। तो इसके ये गाड़ी में ही सो गया था, हमें बहुत लेट हो गया था। हम 10 बजे तो पहुँचे यहाँ पे, रास्ता में मतलब हम लोग ने थोड़ा सा आगे चले गए थे क्योंकि बहुत आउट एरिया में था ये होटल। और यहाँ पे लग रहा मुझे कुछ तो काट दिया। हाँ तो मैं नहीं गई खाना खाने, वो लोग तीनों गए खाना खाने के लिए, तो मैं शौर्य के लिए यहाँ पे वेट कर रही हूँ। वो लोग आएंगे खाना लेके, फिर मैं खाऊँगी। भूख बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे, तो अभी देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग। और तब तक मैं आप लोगों को रूम टूर दे देती हूँ, कुछ खास नहीं है, बस दिखाती हूँ मैं। तो ये है यहाँ पर एंट्री, और ये एंट्री गेट है यहाँ से, और ये बाथरूम है, टीवी है, एसी है, बस एक मतलब ये साइज में किंग साइज का एक बेड है, कुर्सी है, टेबल है, बस इतनी ही चीज़ें हैं इधर। और एक कॉम्प्लीमेंट्री में हमें पानी मिला और कुछ नहीं, बस ये बेड है और यहाँ शौर्य सोया हुआ है।